ईश्वर का सलामती सबके ऊपर हो। हम लोग पिछले वीडियो में ये बात कर रहे थे कि तमाम धार्मिक किताबों में एक ईश्वर का दार ना पाया जाता है। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। आज हम लोग बात करेंगे लोगों में ईश्वर को लेकर इतना अलग अलग विचारधारा क्यों, आइए देखते हैं। पहला, लोग ईश्वर को लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, बस सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई लड़की के पीछे भाग रहे हैं और ईश्वर को अपना ज़िंदगी से हटा देते हैं। बाइबल के डिट्रोनोमी के 8 अध्याय श्लोक 11 पे है, इसलिए सावधान रहना, कोई ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि में आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दो। दूसरा, जो लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं उन लोगों का हाल ये है कि वे लोग अपना आँख बंद कर अपने अपने धार्मिक गुरुओं के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और कभी अपना ज़िंदगी में किताब नहीं पढ़ते और अपने बुद्धि का कभी ईश्वर के मामले में इस्तेमाल ही नहीं करते और समाज जैसे चल रहा है बस उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। भगवद गीता के 7 अध्याय श्लोक 20 में है, उन एन्जॉयमेंट्स की इच्छा शक्ति द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से इंस्पायर होकर उस नियम को कल्पना करके अन्य देवताओं को पूछते हैं। मतलब दुनिया के एन्जॉयमेंट्स के कारण जिन लोगों का ज्ञान हार चुका है वही लोग अनेक ईश्वर का इबादत करते हैं। कुरान के सूरा नंबर 5 आयत नंबर 104 में है, और जब उनसे कहा जाता है कि जो ईश्वर ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ और रसूल की आओ, तो कहते हैं कि हमने जिस रंग में अपने पूर्वजों को पाया वही हमारे लिए काफ़ी है। क्या अगरचे उनके पूर्वजों ना कुछ जानते ही हो, ना हिदायत में थे। तीसरा, कुछ लोग समाज के लोगों को कम्युनियल बना देते हैं। कम्युनियल मतलब अपने कम्युनिटी के गलत कामों को सपोर्ट करना। वे लोगों के बीच इतना बड़ा दीवार बना देते हैं कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे के जान के प्यासी बन जाते हैं और लोगों के इबादत गाह तोड़ने जलाने लगते हैं। कुरान के सूरा नंबर 22 आयत नंबर 40 में है, ये वो लोग हैं जो अपने गौरव से नाहक निकाले गए केवल इसलिए कि वे कहते हैं कि हमारा ईश्वर एक है। यदि ईश्वर लोगों को एक दूसरे के द्वारा ना हटाता रहता तो मठ और गिरजा और यहूदी प्रार्थना भवन और मस्जिद जिनमें ईश्वर का अधिक नाम लिया जाता है सब डाह दिया जाती। ईश्वर अवश्य उसकी सहायता करेगा जो उसकी सहायता करेगा। निश्चय ईश्वर बड़ा बलवान और डोमिनेंट है। लोग ईश्वर को भूलकर अपने अपने कम्युनिटी को सिर्फ डिफेंड करने लगते हैं। इनमें से पहले नंबर पे पॉलिटिशियन आते हैं और दूसरे नंबर पे धर्म गुरु। असल में ये लोग ईश्वर का लिबादा और के ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं। इन लोगों को कुरान में मुनाफिक कहा गया है। कुरान के सूरा नंबर 2 आयत नंबर 11 पे है, और जब मुनाफिकों से कहा जाता है कि ज़मीन में ख़राबी मत करो तो वे कहते हैं हम तो केवल इस्लाह करने वाले हैं। आइए पहले से देखते हैं लोगों में ईश्वर को लेकर अलग अलग विचारधारा क्यों। पहला, ईश्वर को इम्पोर्टेंस ना देना। दूसरा, धर्म गुरुओं को आँख बंद कर मान लेना और ईश्वर के बारे में अंधविश्वास रखना। तीसरा, अपने अपने कम्युनिटी के गलत कामों को सपोर्ट करना। जज़ाकअल्लाह खैर।